मध्य प्रदेश में सीनियर कांग्रेस लीडर आरिफ अकील कांग्रेस का नुमाया चेहरा है। आरिफ अकील आजाद उम्मीदवार की हैसियत से और 5 बार कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। इस बार इन्होंने अपने बेटे आतिफ अकील को अपनी असेंबली सीट से इलेक्शन में उतारा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी तारीख का जो है जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी पार्टियां जो है प्रचार जोर शोरों से कर रही हैं। हमारे साथ उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आतिफ अकील साहब हैं। आतिफ भाई, कल तक चुनाव जो है मैदान के बाहर से देखते थे, आज खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आप खुद देख रहे हैं, भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मालिक ने चाहा कांग्रेस इस क्षेत्र से स्पष्ट बहुमत से जीतेगी। ये हजारों कार्यकर्ता जो आरिफ अकील के हुआ करते थे आज आपके पीछे हैं, इनके लिए आप किस तरह का मैसेज? हम सब उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं, हम सब जनाब आरिफ अकील साहब के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। प्रत्याशी भले ही मैं हूँ लेकिन उनके नेतृत्व में ही हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कल तक जो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे आज निर्दलीय चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर को सेंध लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, आवाम आजकल बहुत जागरूक थे, आवाम को बखूबी मालूम है, जनता बखूबी जानती है कि वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है और वो लोग लगातार 10-10, 12-12 उम्मीदवार ऐसे लोग उतार दिए जो कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों से वोट काट सकते हैं, लेकिन इस बार उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो जाएंगे, होंगे वैसे भी नहीं हुए। उत्तर भोपाल की आवाम जनता जागरूक थे और उन्हें मालूम है क्या करना है और हर बार वो आरिफ अकील साहब को कांग्रेस को हमेशा चुनते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने लोगों से भी बात करी उन्होंने बताया कि कांग्रेस का वोट कहीं नहीं जाएगा, जो हम सब आरिफ अकील के साथ हैं। लेकिन एक बीजेपी का जो आरोप हमेशा रहा है कि आरिफ अकील 30 साल विधायक रहे लेकिन कामकाज यहाँ नहीं हुआ, उन पर क्या जवाब दें? विधायक के जो दायित्व हैं आरिफ अकील साहब ने बखूबी निभाए, भाजपा सरकार की जो सांसद हैं, जो महापौर हैं या कोई पार्षद हैं, दोनों ने यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करा, CM साहब ने पुराने शहर के लिए क्या करा, कोई विकास कार्य नहीं करे। विधायक के जो दायित्व हैं आरिफ अकील साहब ने बखूबी निभाए। ये थे आतिफ अकील, इनका सीधे तौर पर कहना है कि आरिफ अकील जो है यहाँ से विधायक रहे हैं और विकास जो है बहुत हुआ है यहाँ पर, इस बार भी यहाँ के लोग कांग्रेस को वोट करेंगे और आतिफ अकील चुनाव जीत कर विधानसभा पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश पंती के साथ मुंसिफ TV के लिए नवेद।